हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज अपन थर्मोडाइनमिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जीरोथ एंड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स करने जा रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप यूनिट फर्स्ट, जो अपनी यूनिट फर्स्ट है, वो सारी कवर कर लेंगे। ठीक है, और ये वीडियो प्लस टू वालों के लिए भी है। इस वीडियो में आप सेकेंड लॉ से, जो अपना थर्मोडाइनमिक्स का सेकेंड लॉ है, उससे पहले जितने भी टॉपिक हैं वो सारे कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो पेशेंस रख लेना। अभी बात करेंगे सबसे पहले कि थर्मोडाइनमिक्स होता क्या है। थर्मो के अंदर दो वर्ड्स आते हैं, एक तो आता है थर्मो प्लस डायनमिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनमिक्स का मतलब होता है मोशन। तो थर्मोडाइनमिक्स में अपने को पढ़ना क्या है, हीट इन मोशन। ठीक है, पढ़ना क्या है, हीट का मोशन पढ़ना है। उससे पहले कुछ टर्म्स यूज होगी उसके अंदर, थोड़ा उनको समझ लेते हैं। सबसे पहली है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, मतलब कोई चीज़ कितनी गर्म है, यानी कि डिग्री ऑफ हॉटनेस। और डिग्री ऑफ हॉटनेस को क्या कहते हैं, टेम्परेचर। अब आता है थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री कौन सी ब्रांच होती है फिजिक्स की, फिजिक्स की वो ब्रांच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। किससे डील करे, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। उसके बाद आप टेम्परेचर का कन्वर्जन पढ़ेंगे जो कि न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला है जो आपको क्या करना है याद, यानी कि C by 5 इक्वल टू F माइनस 32/9 इक्वल टू K माइनस 273.15/5। ये है अपने पास कोई भी कन्वर्जन के लिए फॉर्मूला। मान के चलो C और F में दे रखा है तो फर्स्ट टू यूज़ करेंगे। नेक्स्ट केस में अगर अपने को दे रखा है F और K में दे रखा है तो कौन सा यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, मतलब दो टेम्परेचर होंगे उसके हिसाब से ये फॉर्मूला अपना क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हीट। हीट क्या होती है, हीट होती है कैलोरिक फ्लूड विच इज़ इनविजिबल, यानी कि कोई चीज़ के अंदर क्या होती है, कैलोरिक फ्लूड होती है जो कि क्या होती है, इनविजिबल होती है। और ये कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, जहाँ पर क्या हो, टेम्परेचर हाई टू लो टेम्परेचर। ठीक है, हीट कहाँ फ्लो करती है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। उसके बाद देखो, उसके बाद टर्म्स आती हैं सिस्टम सराउंडिंग और यूनिवर्स। ये क्या होता है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं अपन। ठीक है, एग्जांपल ले लिया, ये अपने पास कोई क्लासरूम है। ठीक है, इसके अंदर कोई लड़का बैठा है। ठीक है, और एक लड़का बाहर से आया, दोनों बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड है। ये क्लास में आते ही एंटर करता है और एंटर करते ही देखता है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड आया हुआ है। तो ये है ना, पूरी क्लास में से सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड को नोटिस कर रहा है। किसको नोटिस कर रहा है, अपने बेस्ट फ्रेंड को नोटिस कर रहा है। मतलब ये क्या हो गया, जो पार्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन है, मतलब जिस पार्ट को ये देख रहा है उसको आप बोलते हैं सिस्टम। और इस जिस पार्ट को ये देख रहा है ना, इसके अलावा जो भी बच गया ना वो कहलाता है अपना सराउंडिंग। यानी कि इसके बेस्ट फ्रेंड के, जो इसका बेस्ट फ्रेंड है जिसको ये देख रहा है, इसको आप बोलेंगे सिस्टम। और इसके अलावा जो भी पार्ट बच गया उसको बोलेंगे सराउंडिंग। अब देखो, सिस्टम क्या होता है, जो पार्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन हो, यानी कि ये लड़का आया, यानी कि ये लड़का बाहर से आया और क्लास में आते ही इसने किसको देखा, अपने बेस्ट फ्रेंड को। तो इसके लिए ये क्या है, पार्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन। एंड जो सिस्टम के अलावा यानी कि रिमेनिंग पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, सराउंडिंग। ठीक है, और सिस्टम और सराउंडिंग मिलके क्या बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं आप। अब देखो, ये कोई कंटेनर ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया, कंटेनर। अब इस कंटेनर के अंदर, या इसी एग्जांपल से समझो, देखो ये मैंने कोई, ये बेस्ट फ्रेंड था, ये किसी रूम में था, रूम में था तो ये क्या हो गया, सिस्टम। और ये क्या होगी, अपनी सराउंडिंग। ये हो गया सिस्टम और ये अपनी होगी सराउंडिंग। अब सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने के लिए क्या होती है, वॉल होती है। जैसे ये कंटेनर या क्लासरूम की वॉल होगी, सिस्टम इसको बाहर से अलग करने के लिए। ठीक है, या इसको ऐसे समझो, देखो ये अपने पास कोई भी गैस है। गैस के लिए ये तो हो गया सिस्टम, ये हो गया सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने के लिए ये क्या होगी, वॉल्स। इन्हीं वॉल्स को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं,
एक तो ये होती है कंडक्टिंग, एक तो होती है ये कंडक्टिंग वॉल। कंडक्टिंग में क्या होगा, जो हीट होगी ना बाहर से और अंदर से इजीली फ्लो कर जाएगी। जहाँ का टेम्परेचर हाई होगा वहाँ से किसकी तरफ, जहाँ पर टेम्परेचर लो होगा। अब सेकंड केस में क्या होता है, जो वॉल होती है एडियाबेटिक, यानी कि अगर इस वॉल को आप एडियाबेटिक बना दें, एडियाबेटिक मतलब जिसके अंदर कोई फ्लो ना हो, या आइसोलेटेड बना दे, या इंसुलेटिंग बना दे, आइसोलेटेड नहीं बोल सकते, इंसुलेटिंग बना दे इसको। इंसुलेटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप उसमें सीखते थे इलेक्ट्रिसिटी में, कंडक्टर क्या होते थे जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें, और इंसुलेटर क्या होते थे जो इलेक्ट्रिसिटी को पास ना करें। तो आप कंडक्टिंग वाल ले रहे हैं तो इसका मतलब हीट क्या होगी, फ्लो। इंसुलेटर ले रहे हैं तो हीट क्या होगी, नॉट फ्लो। ठीक है, अब इनके थोड़े दूसरे नाम है फिजिक्स के हिसाब से, इसको बोल देते हैं डायथर्मिक, डाई थर्मिक, और इसको बोल देते हैं एडियाबैटिक। ठीक है, डाई थर्मिक, थर्मिक मतलब थर्मल, किसकी यूनिट होती है, टेम्परेचर की, मतलब डाई थर्मल यानी कि टेम्परेचर जिसके अंदर होगा या हीट फ्लो करेगी, और एडियाबैटिक जिसके अंदर हीट फ्लो नहीं करेगी। यही मैंने यहाँ पर लिखा है कि डाई थर्मिक के क्या होती है, जिसके अंदर हीट फ्लो करती है, और एडियाबेटिक क्या होती है अपने पास, जिसके अंदर हीट फ्लो नहीं करती। और हीट को आप डिनोट करते हैं क्यू से, और क्यू की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी इस केस में, जीरो, अगर हीट फ्लो नहीं हो रही है। और इस केस में क्या होगा डाइथर्मिक में, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, और एडियाबेटिक में डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब आते हैं अपने पास कुछ सिस्टम के टाइप। सिस्टम क्या होता है, जो पार्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन हो उसी को क्या बोलते हैं, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन इज नोन एज सिस्टम। अब सिस्टम्स के टाइप आते हैं अपने पास, कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, कौन से, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखो, पहली बात आती है अपने पास ओपन सिस्टम। अब ओपन सिस्टम कौन सा होता है, व्हेन एनर्जी एंड मास क्या हो, एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। मतलब अपने ले लिए कंटेनर, इसके अंदर रख दी गैस, ठीक है, इसका मास और इसकी एनर्जी भी क्या हो, एक्सचेंज हो, उसी को बोलते हैं ओपन सिस्टम। एक एग्जांपल से समझो, ये अपने पास हो गया चाय का कप, क्या हो गया, चाय का कप, इसके अंदर है अपने पास चाय। अब देखो, एनर्जी और मास दोनों चेंज हो, एनर्जी इसकी कैसे चेंज होगी, चाय गर्म है, यहाँ का अंदर का टेम्परेचर क्या है, हाई, बाहर का टेम्परेचर क्या है, लो, तो थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगा, चाय ठंडी, यानी कि चाय का टेम्परेचर ज़्यादा था, बाहर का टेम्परेचर क्या था, कम, तो अंदर की जितनी भी एनर्जी थी वो कहाँ चली गई, बाहर, तो चाय क्या होगी, ठंडी। अब इसका मास का एक्सचेंज कैसे होगा, देखो चाय गर्म थी अपने पास, क्या थी, देखो यहाँ पर अपने चाय का कप लिया था, अब चाय गर्म थी, ठीक है, अब क्या होगा, इसके कुछ वेपर भी तो मण के उड़ेंगे, यानी कि ये क्या हो गए, वेपर, जो कि कहाँ उड़ रहे हैं, ऊपर, अगर वेपर उड़ रहे हैं तो इसका जो मास है वो क्या होगा, कम। समझ में आ गया, यानी कि इसका मास भी कम हो रहा है और इसकी एनर्जी भी कम हो रही है, मतलब कम इन द सेंस कि एक्सचेंज हो रहे हैं सिस्टम के अंदर, सिस्टम और सराउंडिंग के अंदर, ठीक है, वही सिस्टम क्या कहलाता है, ओपन। अब एनर्जी दो तरह से एक्सचेंज हो सकती है, या तो हीट की फॉर्म में, यानी कि किसकी फॉर्म में हो, हीट की फॉर्म में, या वर्क डन की फॉर्म में, ये कैसे होगी वो थोड़ा आगे समझेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है अपना क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, अब देखो ये था चाय का कप, इसके अंदर थी अपने पास चाय, अब मैंने क्या किया, इसको ऊपर से कवर कर दिया, कवर इन द सेंस इसको ऊपर प्लेट रख दी, ठीक है, इसके ऊपर क्या रख दिया अपन ने, प्लेट। प्लेट रखने के बाद क्या हुआ, ये चाय गर्म थी यानी कि अंदर का टेम्परेचर हाई था, बाहर का टेम्परेचर लो था, तो चाय तो ठंडी हो जाएगी, क्या चाय वेपर की फॉर्म में ऊपर सराउंडिंग में जा पाएगी, ये नहीं जा पाएगी, क्योंकि अपन ने इसके ऊपर क्या लगा दी, प्लेट, ठीक है, जिसके कारण मास का एक्सचेंज नहीं होगा, सिर्फ किसका एक्सचेंज होगा, एनर्जी का। तो इस केस में देखो, व्हेन एनर्जी एक्सचेंज अक्कर, व्हेन एनर्जी एक्सचेंज अक्कर बट नो मास बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी कि ए क्लोज कप ऑफ टी, यानी कि ए क्लोज हॉट कप ऑफ टी। नेक्स्ट केस क्या आता है, नेक्स्ट केस आता है कि आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होता है, जिस सिस्टम के अंदर ना तो
एनर्जी एक्सचेंज हो ना ही मास एक्सचेंज हो। मान के चलो अपने पास ये है चाय की थर्मस, इसके अंदर आपने डाल दी चाय। अब थर्मस के अंदर क्या होता है, जो वॉल्स होती है ना होती है एडियाबैटिक, एडियाबैटिक इन द सेंस इंसुलेटिंग, इंसुलेटिंग वॉल होगी तो हीट का एक्सचेंज क्या होगा, जीरो। आगे समझ में। सेकंड केस, ये ढकी हुई है, ढकी हुई है तो मास का एक्सचेंज होगा, नहीं होगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल क्या हो गया, हॉट कप ऑफ टी इन थर्मस बोतल। ठीक है, नेक्स्ट आती है कुछ प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है, बाहर की तो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करेगी, अंदर की प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करेगी। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद करने होंगे। ठीक है, इस केस में जितनी भी एनर्जी है ना, कोई भी एनर्जी हो, सारी किस में आती है, एक्सटेंसिव में। इसमें क्या आता है अपने पास, डेंसिटी, टेम्परेचर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रेशर, विस्कोसिटी, और एक फॉर्मूला होता है, यानी कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिटिव के बराबर होती है। जैसे अपने पास एक हो गया मास, एक अपने पास होगी वॉल्यूम, तो ये क्या है अपने पास, एक्सटेंसिव, ये क्या है अपने पास, एक्सटेंसिव, ये किसके बराबर होगी, ये होगी इंटेंसिटिव के बराबर। ठीक है, ये याद रख लेना, मतलब 2-3 नंबर में ये अपने से पूछ सकता है। नेक्स्ट केस में अपने पास क्या आता है, अब आता है हीट ऑफ वर्क डन के बारे में। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कोई अपने दिल पे मत लेना, ये जस्ट एक एग्जांपल है आपको साइन कन्वेंशन समझाने के लिए। थर्मोडाइनमिक्स में सबसे मेन बात यही है कि वर्क और हीट का साइन कन्वेंशन कैसे याद रखें। ठीक है, अब देखो, एक लड़का ये है और ये एक लड़की है, ठीक है, ये दोनों क्या आपस में बी एफ जी एफ। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, जस्ट इसको थोड़ा ध्यान से समझना, अगर इसको ध्यान से समझोगे ना, इसको ध्यान से समझोगे तो साइन एंड कन्वेंशन कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, अब देखो, इस लड़के के लिए ये क्या हो गया, सिस्टम, ये क्या हो गया इस लड़के के लिए, ये वाला हो गया सिस्टम। अब इसको इस एग्जाम्पल से समझो जो मैंने अभी लिया था, जैसे ये होगी अपने पास क्लास, क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, ये बैठी है इसकी जी एफ, ये आता है बाहर से। ठीक है, ये आया बाहर से, बाहर से आते इसके ऊपर गई इसकी नज़र, नज़र जाते ये हो गया सिस्टम, और बचा हुआ पार्ट क्या हो गया, सराउंडिंग। अब जो इसकी जी एफ है ना, ये क्या होगी, सिस्टम। अब देखना, इसको समझाने के लिए याद रखना कि इसकी जी एफ क्या है, सिस्टम। अब देखो, मैंने ये बना दिया यहाँ पर, ठीक है, ये जी एफ है इसकी, यानी कि एक लड़की है। अब देखो, अगर आपा सिस्टम है अपना, अगर इसको कुछ देंगे आपा, मतलब मान के चलो उस लड़के ने इसको गिफ्ट दे दिया, तो ये क्या हो जाएगी, खुश। खुश होगी तो मतलब इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, पॉजिटिव, यानी कि इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि गेन ऑफ हीट बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम को अगर आपा कुछ देंगे या सिस्टम अपने से कुछ लेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि आपा इसको जब गिफ्ट गिफ्ट या कुछ भी देंगे ना, तो ये क्या हो जाएगी, खुश, तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब सेकंड केस में समझो, लॉस ऑफ हीट, यानी कि जब सिस्टम कुछ भी लॉस करता है, मान के चलो ये अपने को गिफ्ट देगी या कहीं बाहर ले गई, ठीक है, कहीं बाहर ले गए और इसने देने पड़ गए पैसे, तो ये क्या हो जाएगी, नाराज, नाराज होगी तो कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव इन द सेंस ये क्या कर रही है, लॉस। अगर सिस्टम कुछ गेन करेगा या कुछ लेगा तो पॉजिटिव, अगर सिस्टम कुछ देगा तो क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया हीट के केस में। याद रखने का तरीका, अगर सिस्टम कुछ लेगा बाय द सिस्टम, यानी कि कुछ सिस्टम को कुछ देंगे तो सिस्टम होगा खुश, खुश होगा तो साइन पॉजिटिव। सेकंड केस में देखो, अगर सिस्टम को आपा कुछ या सिस्टम से आपा कुछ लेंगे, ठीक है, सिस्टम से आपा क्या कह रहे हैं, कुछ लेंगे, अगर सिस्टम से कुछ लेंगे तो सिस्टम क्या हो जाएगा, नाराज, नाराज होगा तो साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब सेकंड केस में समझो, सेकंड केस में अपा ने वही सिस्टम क्या कर लिया है, इमेजिन, यानी कि ये क्या है, वही जी एफ। अब देखो, अगर ये लड़की है, ये कोई भी काम करेगी वो हमेशा क्या होगा, ठीक होगा, ठीक होगा तो पॉजिटिव, यानी कि
BFGF के केस में क्या होता है, जो लड़की कुछ भी काम करेगी वो उसको क्या बताएगी, सही, चाहे हो क्या हो गलत। अगर वो उसको सही बताएगी यानी कि वर्क डन बाय सिस्टम, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव यानी कि सही होगा। और अगर आप इस सिस्टम के ऊपर कुछ भी काम करेंगे तो ये उसको क्या बताएगी, गलत है, तो ये क्या होगा, वर्क डन ऑन सिस्टम हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। इसको इमेजिन करो और ऐसे याद रखोगे तो हमेशा याद रहेगा, वरना क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर, ठीक है, कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। अगर इसको ऐसे करते हो तो बहुत अच्छे से याद रहेगा। एक बार और फिर से कर लेते हैं, अगर सिस्टम कुछ गेन करेगा तो हमेशा क्या होगा, सिस्टम को आप कुछ देंगे या सिस्टम कुछ गेन करेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव। अगर सिस्टम से कुछ लेंगे तो सिस्टम नाराज हो जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव। वर्क डन के केस में क्या होगा, अगर ये कुछ भी वर्क करेगी, मतलब सिस्टम कुछ भी वर्क करेगा, वर्क डन बाय सिस्टम यानी कि सिस्टम हमेशा कहेगा कि मैं ठीक हूँ, कभी गलत हो ही नहीं सकता। अगर आपने सिस्टम के ऊपर कुछ काम कर दिया तो कहेगा तुम गलत हो, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। यहाँ तक साइन कन्वेंशन में कोई दिक्कत? अब चलते हैं आगे, अब आता है थर्मल इक्विविलियम। अब देखो इस केस में क्या होता है, सिस्टम की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, अब ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये होती है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है। अगर ये चेंज ना हो यानी कि कांस्टेंट रहे तो सिस्टम क्या कहलाता है, सिस्टम इज इन इक्विविलियम, ठीक है। यानी कि ये कोई सिस्टम है जिसकी वॉल्स क्या ले लिया अपने, इंसुलेटिंग, इंसुलेटिंग है तो हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, और इसको कवर कर दिया तो मास का भी एक्सचेंज नहीं होगा, तो इस केस में क्या होगा, सिस्टम इज इन थर्मल इक्विबेलियम। जस्ट ये प्रॉपर्टीज है कि माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या ना हो, चेंज ना हो, वो क्या रहे, कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है अपने पास, देखो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है, एक दो वर्ड होते हैं जो नहीं बोले जाते, उसको आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या आता है अपने पास, नेक्स्ट में आता है जीरोथला। जीरोथला को समझने के लिए ये डायग्राम है, ठीक है, क्या है, एक सिस्टम ये हो गया, एक सिस्टम ये हो गया, दोनों के बीच में वॉल्स कैसी है, दोनों के बीच में जो वॉल्स है ना ये कैसी है, जब भी यानी कि किसी भी डायग्राम के अंदर कुछ ऐसे दिखाई देगा ना आपको, या कुछ ऐसे दिखाई दे, तो इसका मतलब ये समझ लेना वॉल्स कैसी ली हुई है, नॉन कंडक्टिंग या आइसोलेटेड या एडियाबेटिक, ठीक है। और जब डॉट दिखाई दे तो इसका मतलब है कि वॉल्स कैसी ले रखी है, वॉल्स ले रखी है कंडक्टिंग, डाइथर्मिक, ठीक है। अब यहाँ पर वॉल कैसी ले ली, नॉन कंडक्टिंग, और ये वाली जो वॉल है ना ये ले रखी है कंडक्टिंग, यानी कि यहाँ से हीट एक्सचेंज कर सकती है बट यहाँ से हीट एक्सचेंज नहीं कर सकती। ये देखो, ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विबिलियम विद सी, दोनों के दोनों किससे है, सी से। अब क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद ए एंड बी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विबिलियम, कैसे, अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। देखो अब यहाँ पर टेम्परेचर है 70, यहाँ पर है 50, यहाँ पर है 60। अब क्या हुआ, जो हीट होती है ना वो कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की साइड। अब देखो फर्स्ट केस में क्या होगा, यहाँ पर हीट फ्लो करेगी, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर हीट कितनी फ्लो करेगी कि इन तीनों का टेम्परेचर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। मतलब देखो कुछ इस तरह से समझो, 1 2 3, यहाँ का टेम्परेचर हाई था तो यहाँ चली गई, यहाँ से यहाँ भी चली गई, और फिर क्या होगा, इन दोनों का टेम्परेचर ओ करने के लिए दोनों में क्या हो जाएगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो एट लास्ट अगर इसका 80 था, इसका 50 था, और इसका था अपने पास कुछ भी मान लो 30, ठीक है। अगर इस केस में क्या होगा, जो ये टेम्परेचर है तीनों ये इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। देखो तीन टेम्परेचर तीन पार्ट में डिवाइड करना है, 80, 50 और 30, 80, 50, 130, और 130 प्लस 30 इतना हो गया 160, और तीन में डिवाइड करना है, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे अपने पास सबका क्या आ जाएगा, इक्वल टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन क्या कहती है हमें, अगर कोई भी दो बॉडीज़ यानी कि कोई भी अपने पास दो बॉडीज़ हैं, ये वाली
दो बॉडीज हैं आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड बॉडी, ये अपने पास कोई थर्ड बॉडी है ठीक है। ये वॉल्स कैसी है? नॉन कंडक्टिंग। और ये वॉल कैसी है? कंडक्टिंग सेपरेटली। देन टू बॉडीज आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम, कैसे? कुछ टाइम बाद ये ए एंड बी भी क्या आ जाएगी? थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी ठीक है। यही बोलती है इसकी डेफिनेशन। उसके बाद आता है अपने पास जीरोथ, सॉरी उसके बाद आप करेंगे स्पेसिफिक और उसके बाद करते हैं जीरोथ लॉ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, देखो फ्रेंड्स इस फॉर्मूले को याद कर लेना ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत सारे डेरिवेशन में आगे यूज होगा और बहुत सारे न्यूमेरिकल में यूज होगा, तो इससे अच्छा आप इसको एक बार थोड़ा देख ही लें और याद भी कर लें ठीक है। ये मत समझना कि ये टॉपिक है नहीं, ये बहुत अच्छी तरह टॉपिक यूज होगा आगे। तो अब देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या है? ये होती है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, क्या? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, यानी कि टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट सेंटीग्रेड, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू क्यू बाय एम डेल्टा टी। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, यानी कि टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, ये मास कैसा है? यूनिट मास बाय 1 सेंटीग्रेड इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ठीक है। अब देखो ये किसकी फॉर्मूला हो गया अपने पास? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। उसके बाद देखो दो इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या था अपने पास? हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट सेंटीग्रेड। अब देखो जो आपने वॉल्यूम ली है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो वो क्या ली है? कॉन्स्टेंट। तो उस केस में ये क्या हो जाएगा? सीवी। अब सीवी को कैसे पढ़ते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और इसको डिफाइन क्या कैसे करेंगे? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट मास बाय 1 सेंटीग्रेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ठीक है। इसी को बोलते हैं अपन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। सिमिलरली अगर अपने पास यहाँ पर प्रेशर हो तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे? ये अपने पास प्रेशर आ गया, जैसे सी पी इज इक्वल टू क्यू डेल्टा टी, और यहाँ पर लिख दिया मैंने देखो सी पी क्यू, और यहाँ पर आ गया अपने पास एम, यहाँ पर आ गया डेल्टा टी। तो इस केस में क्या होगा? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट सेंटीग्रेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ठीक है। ये होती है अपने पास कुछ टर्म्स, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे और कॉन्स्टेंट प्रेशर पे। उसके बाद आती है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब देखो उसमें किसका इंक्रीज कर रहे थे? 1 यूनिट मास का, बट मोलर के केस में क्या हो जाएगा? 1 मोल का इंक्रीज करेंगे ठीक है। तो उस केस में फॉर्मूला तो वही रहने वाला है सी इज इक्वल टू क्यू, यहाँ पर किसका इंक्रीज कर रहे थे? मास का, बट इस केस में किसका इंक्रीज करेंगे? 1 मोल का, उसी को बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो डेफिनेशन तो वही रहने वाली है, क्या? हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 सेंटीग्रेड, कोई प्रॉब्लम? यानी कि जो अपन आपने डेफिनेशन की थी उसकी जगह 1 मोल आ गया बस, यानी कि 1 यूनिट मास का इंक्रीज कर रहे थे किसके अंदर? स्पेसिफिक के अंदर। और मोल के मोलर के अंदर किसका करना है? 1 मोल का करना है, और कोई डिफरेंट नहीं है। और सीवी के केस में क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल, 1 मोल बाय 1 सेंटीग्रेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ इसको थोड़ा लिख लेना एक बार, और जैसे ये डेफिनेशन तो मैंने लिखी हुई है यहाँ से देख के लिख लेना। सिमिलरली अगर कॉन्स्टेंट प्रेशर पे बात करें तो उस केस में क्या होगा? हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल बाय 1 सेंटीग्रेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। जैसे मैं बोल रहा हूँ अगर दो चार बार सुन ही लोगे तो आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगी डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन डेफिनेटली आपसे पूछता है। अब आप करने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। इसके अंदर क्या होता है?
जितने भी फिजिक्स के लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी है, यानी कि जो आप पढ़ते हैं, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, जितने भी कंजर्वेशन के लॉ पढ़ते हैं वो इसी लॉ से बनते हैं। ठीक है, अब कैसे, देखो ये अपने पास होगी हीट। हीट किस किस का सम होती है, जैसे क्यू को डिफाइन करते हैं डब्लू प्लस डेल्टा यू, ये क्या होता है अपने पास, ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अब इसके अंदर क्यू क्या होता है, हीट गिवन टू द सिस्टम। अब इसको समझने के लिए कुछ ऐसे समझो, देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, एग्जांपल लेंगे अपा कैसे, हाँ एक एग्जांपल पे बात करते हैं। कैसे, मैंने ले लिया ये एक कंटेनर, क्या ले लिया, कंटेनर, ठीक है, इसके ऊपर लगा दी एक पिस्टन, क्या लगा दी, पिस्टन, ठीक है, इसके अंदर अपने पास क्या है, एक गैस, और मैंने क्या किया, सिस्टम को कर दिया नीचे से हीट। ठीक है, अब देखो क्यू क्या होती है, हीट गिवन टू द सिस्टम, यानी कि जो आप हीट दे रहे हैं वो क्या होती है, ये होती है जो आप सिस्टम को दे रहे हैं, उसके कारण क्या होगा, वर्क डन होगा। ठीक है, मतलब ये पिस्टन कुछ ऐसे मूव कर जाएगा ऊपर, क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, इतना डिस्टेंस dx, ठीक है, ये क्या हो गया, वर्क डन बाय सिस्टम। अब नेक्स्ट केस में देखो डेल्टा यू को कैसे डिफाइन करेंगे, ये मॉलिक्यूल्स हैं, अगर आप हीट देंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होने स्टार्ट हो जाएंगे, गर्म, गर्म इन द सेंस उनका टेम्परेचर होगा चेंज, और जिसके कारण क्या होगी, इंटरनल एनर्जी चेंज। तो इंटरनल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया अपने पास, क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। क्यू क्या होता है, जो आपा सिस्टम को क्या दी थी, हीट दी थी, उसको बोलते हैं क्यू, और उस हीट के कारण कितना वर्क हुआ, कहाँ पर, जो पिस्टन को डिस्प्लेस करवाने में, और जो मॉलिक्यूल्स थे गैस के उनकी इंटरनल एनर्जी चेंज करने में, यानी कि हीट इक्वल टू वर्क डन प्लस जो टेम्परेचर के कारण इंटरनल एनर्जी में चेंज आया, किसके, गैस के, मॉलिक्यूल्स के, उसी को आप बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, अब हीट के साइन तो पढ़ ही चुके हैं, कैसे, देखो ये क्या मानना था अपने, सिस्टम, इस सिस्टम को आपने क्या दी, हीट, अगर हीट देंगे तो ये हो जाएगा खुश, खुश होगा तो साइन पॉजिटिव। सेकंड केस में क्या होगा, अगर ये कुछ लॉस करेगा या किसी को कुछ देगा तो क्या हो जाएगा, ये नाराज, नाराज होगा तो साइन नेगेटिव। ठीक है, ये होते हैं साइन एंड कन्वेंशन ऑफ हीट। और ठीक है, अब क्या होते हैं टाइप्स ऑफ थर्मो डी प्रोसेस, इसको आपा क्या बोल सकते हैं, एडवांटेजेस ऑफ फर्स्ट लॉ या एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। और एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ क्या होता है, अब आपा वही सीखेंगे। ठीक है, पहला प्रोसेस आता है आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखो थर्मल मतलब टेम्परेचर, आइसो मतलब सेम, यानी कि टेम्परेचर क्या रहे, सेम, टेम्परेचर सेम रहेगा तो टेम्परेचर का चेंज क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, टेम्परेचर सेम, टेम्परेचर का चेंज जीरो। ठीक है, अब आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होते हैं, वो प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट, उसी को बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आपने एक ला पढ़ा था जिसका नाम था बोयल्स ला, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये अपने पास क्या होता था, बोयल्स ला, और देखो बोयल्स ला ये होता था, तो देखो ये मैंने बना दिया ग्राफ। ठीक है, ये किसके केस में हो गया, आइसोथर्मल। अब आइडियल गैस के केस में क्या होगा, देखो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, एन नंबर्स ऑफ मोल कॉन्स्टेंट आर गैस कॉन्स्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, जो आपने कहाँ पर है, आइसोथर्मल में, आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर, तो ये तीनों चीज़ क्या होगी, कांस्टेंट, तो मैं इसको लिख सकता हूँ पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, कोई प्रॉब्लम, या इसको मैं ऐसे लिखता हूँ पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू
V2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये होता है अपना आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। ये कौन सा प्रोसेस हो गया? आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखो, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, चलो उसको आगे बात करेंगे, अब यहाँ तक सीख लो कि आइसोथर्मल प्रोसेस होता क्या है। नेक्स्ट केस में देखो, आइसोबारिक। आइसोबारिक, बारिक किसकी एसआई, बार किसकी एसआई यूनिट होती है? प्रेशर की। और जिसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट रहे उसको बोलते हैं आइसोबारिक। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब एक प्रोसेस होता है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक कौन सा प्रोसेस होता है? आइसोकोरिक वो होता है जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, विच आर कैरीड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, या नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा होगा? एडियाबेटिक। अब एडियाबेटिक तो अपने को पता ही, एडियाबेटिक बोल दो या इंसुलेटिंग बोल दो, ये प्रोसेस क्या होता है? जिसके अंदर हीट का एक्सचेंज नहीं होता। अगर हीट का एक्सचेंज नहीं होता तो डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। यानी कि एडियाबेटिक आर दोज प्रोसेस विच आर कैरीड आउट एट कॉन्स्टेंट हीट, ठीक है। और हीट कॉन्स्टेंट होगी तो जो वॉल्स है अपने पास कैसी होगी? एडियाबेटिक। एडियाबेटिक इन द सेंस नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। अब आता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन, ठीक है, जो आप बोलते हैं मेयर्स रिलेशन, या इसको बोलते हैं आप सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, यानी कि गैस कॉन्स्टेंट। अब आप इसको क्या करेंगे? प्रूफ। प्रूफ करने के लिए कुछ टर्म्स का यूज़ होगा जो मैं आपको अब तक बता चुका हूँ, ठीक है, उनको आपको बस याद करना है। सबसे पहले मैंने बताया था कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वन मोल बाय वन सेंटीग्रेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ये क्या होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अब मेयर्स रिलेशन को प्रूफ करने के लिए मैंने ले लिया पिस्टन, सॉरी ये मैंने एक ले लिया कंटेनर। कंटेनर को नीचे से क्या किया? हीट। और इसके अंदर अपने पास क्या है? आइडियल गैस। या तो वन मोल मान लो, देखो वन मोल माने तो क्या होगा, अगर वन मोल ना माने तो क्या होगा? अपने पास आइडियल इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब आपने मान लिया वन मोल, अगर वन मोल मान लेते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? वन। और रिलेशन क्या हो जाएगा? पी वी इज इक्वल टू आर टी। अगर वन मोल ना माने तो यहाँ पर क्या जाएगा? एन, ठीक है। ये हो गया अपना रिलेशन, यानी कि वन मोल मान लिया तो ये वाला, अगर वन मोल ना माने तो ये वाला। किसी में नंबर ऑफ मोल्स यानी कि ये हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये ना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये नहीं होगा तो आप मान लेंगे गैस का, गैस क्या है? आइडियल गैस, और जिसका वन मोल लिया अपन ने, ठीक है। ये देख के कन्फ्यूज मत होना। तो अभी मैंने बताया था कि सीपी क्या, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होती है अपने पास? हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वन मोल बाय वन मोल बाय वन सेंटीग्रेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। ये मैंने क्या लिया? ये इक्वेशन ले ली, यहाँ से हीट की वैल्यू निकाल ली। हीट की वैल्यू निकालेंगे तो एन टी कहाँ जाएगा? इस साइड। और एक और बताता हूँ मैं आपको, जब भी आप हीट लेंगे ना यही लेंगे एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब देखो, अब मैं इस कंटेनर को क्या दे रहा हूँ? हीट दे रहा हूँ। कितनी हीट दे रहा हूँ? डेल्टा क्यू। अगर डेल्टा क्यू हीट दे रहा हूँ तो इसका टेम्परेचर भी तो चेंज होगा। कितना टेम्परेचर चेंज हुआ? डेल्टा टी, ठीक है। यानी कि थोड़ी सी हीट देने के कारण इसका टेम्परेचर क्या हुआ? डेल्टा टी, ठीक है। टेम्परेचर क्या हो गया? डेल्टा टी। अब देखो दो क्वेश्चन आते हैं, अगर हीट दे रहे हैं तो पिस्टन क्या करेगा? वर्क करेगा। अब देखना, पिस्टन मैंने कर दिया फिक्स्ड, पिस्टन नहीं हिल सकता, तो चेंज क्या होगा? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के अंदर आपने मान लिया कि हीट क्यू देने से, हीट डी क्यू चेंज होने के कारण टेम्परेचर कितना चेंज हो गया? डी टी। अब देखो ये अपने पास थी इक्वेशन, इस इक्वेशन में मैंने हीट को कितना चेंज किया? डेल्टा क्यू।
ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स मैंने क्या लिया है, वन, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ अगर लेंगे तो क्या होगा, अगर वन मोल नहीं लेंगे तो क्या होगा। तो डेल्टा टी से टेम्परेचर कितना चेंज हो गया, डी टी। और इस टेम्परेचर चेंज होने के कारण इसके ऊपर जो वर्क डन होगा वो कितना होगा। वर्क डन को आप कैसे डिफाइन करते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू पी डी वी। अब देखो, अगर अपन ने टेम्परेचर चेंज किया डी टी, इसकी वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम के ऊपर कोई चेंज आएगा, इसको कुछ ऐसे समझो। देखो ये कंटेनर था, मैंने कर दिया पिस्टन को फिक्स, यानी कि पिस्टन हिल नहीं सकता। इसके अंदर मान के चलो कितने कितनी वॉल्यूम थी, पाँच। मैंने हीट करी, ठीक है, हीट करी तो इसका सिर्फ क्या चेंज होगा, टेम्परेचर। क्या चेंज होगा, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो देखो पिस्टन क्या है, फिक्स्ड, पिस्टन वर्क करेगा। मतलब जब आपने हीट नहीं दी थी तब भी पाँच ही थी हीट, और सॉरी वॉल्यूम कितनी थी, पाँच ही थी, और जब हीट दे दी तो वॉल्यूम कितनी है, पाँच ही। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या आता है, जो डी वी है वो क्या है अपने पास, कॉन्स्टेंट, यानी कि पहले भी इतना ही था बाद में भी इतना ही है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पी डी वी। अब इस केस में देखो, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब आप लगाते हैं फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ये अपने पास जर्नल फॉर्म होती है फर्स्ट लॉ की, क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। अगर मैं इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूँ ना तो इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू, ठीक है। ये होती है इसकी डिफरेंशियल फॉर्म और ये होती है इसकी जर्नल फॉर्म। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डी क्यू की वैल्यू जो मैंने यहाँ से इस इक्वेशन के अंदर निकाली थी, ठीक है, मैं इसको ये इक्वेशन मान लेना, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये इक्वेशन, तो डी क्यू की वैल्यू मैंने यहाँ से यहाँ निकाली थी, तो डी वी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ, डी क्यू की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ। और वर्क डन कितना आया अपने पास, यहाँ से क्या आया, जीरो। और डी यू, इंटरनल एनर्जी कितनी आई अपने पास, ये आई है अपने पास इंटरनल एनर्जी सी वी डेल्टा टी। मैं उसको थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ, क्या किया है एक बारी फिर से देखो, डी क्यू है अपने पास डी डब्ल्यू प्लस डी यू, ठीक है। डी क्यू की वैल्यू आप निकाल चुके हैं कितनी है, सी वी, ये अपने पास होगी डी टी। वर्क डन क्या हो गया, जीरो, और ये किसके बराबर आई है, इंटरनल एनर्जी के। तो डी यू की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, डी यू की, यानी कि इंटरनल एनर्जी की। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, इस इक्वेशन को क्या रखना, याद, या एक काम करो अपनी नोटबुक के अंदर इसको लिख लो और इसको याद रखना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट केस में क्या कर रहा हूँ, पहला केस मैंने लिया था कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, नेक्स्ट ले रहा हूँ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। इस केस में क्या होगा, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ वन मोल बाय वन सेंटीग्रेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। क्या होगा, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब मैं यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाल रहा हूँ, और चेंज इन हीट क्या होगा अपने पास, टी क्यू इज इक्वल टू सी पी डेल्टा टी, और नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, वन। अब इस केस में मैंने क्या किया, इस केस में मैंने जो पिस्टन लिया है वो मूवेबल लिया है, तो उस केस में क्या होगा, अगर ये वॉल्स अपने पास क्या है, डाइथर्मिक, यानी कि सॉरी ये वॉल्स क्या होगी अपने पास, यहाँ पर कंडक्टिंग होगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, बाहर से क्या ली, हीट, हीट लेंगे तो इसका टेम्परेचर चेंज होगा, और टेम्परेचर चेंज होगा तो पिस्टन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस, कितना, डी एक्स। अब इसको कुछ ऐसे समझो, ये था अपने पास पहली कंडीशन जब आपने हीट नहीं किया था, मान के चलो वॉल्यूम थी पाँच। अब मैंने कर दिया इसको हीट, क्या कर दिया, हीट, हीट करने के बाद क्या होगा, देखो हीट करने के बाद अगर मान के चलो ये पाँच थी, हीट करने के बाद क्या होगा, ये अपने पास पाँच थी तो ये इंक्रीज होगी वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी इंक्रीज होगी, मान के चलो टू इंक्रीज होगी, तो यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम क्या हो रही है, इंक्रीज। क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि आपने क्या लिया है, मूवेबल पिस्टन। तो इस केस में वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा, वर्क डन इज इक्वल टू पी डी वी, ठीक है।
अब मैं वही फर्स्ट लॉ यूज कर रहा हूँ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है अपने पास, डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू। डी क्यू की वैल्यू अपने पास ये रही, डी डब्ल्यू की वैल्यू अपने पास ये रही, ठीक है। और देखो जो अभी अभी अपन इक्वेशन की थी ना, इक्वेशन के अंदर डी यू की वैल्यू क्या आई थी, जो अभी फोर्थ इक्वेशन लेट की थी उसके अंदर सी वी की वैल्यू क्या आई थी, डी टी। देखो फोर्थ इक्वेशन ये लेट की थी ना, इस इक्वेशन के अंदर जो अपने पास डी यू है उसकी वैल्यू क्या आई है, सी वी डी टी। और मैं यहाँ पर डी वी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर मैंने डी यू की जगह जो ये अपना डी है यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। डी क्यू की वैल्यू पुट कर दी, डी डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, और डी यू की वैल्यू जो आपने पीछे किया है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, फिर वर्क डन आया था जीरो, फिर आपने लिया था इंटरनल एनर्जी का जो चेंज आया था वो आया था सी पी डेल्टा टी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब आप करते हैं आगे बात। अब अपने पास क्या थी, ये थी अपने पास आइडियल इक्वेशन, मतलब आइडियल गैस। और आइडियल गैस में अपने पास क्या होती है, आइडियल गैस में अपने पास ये इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर नंबर ऑफ मोल्स वन है तो एन की जगह पे क्या जाएगा, वन, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पी वी आर टी लिख दिया। अब देखो आर क्या है, गैस कॉन्स्टेंट, ठीक है गैस कॉन्स्टेंट। अब क्या किया मैंने, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट किया तो पी पी वी है अपने पास, अब देखो मैंने क्या किया, वीडियो फ्रेंड्स मैं लाइव ही बनाता हूँ तो इसलिए थोड़ा बहुत कॉल्स वगैरह आता है तो उसके लिए छोड़ी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सी वी इज इक्वल टू आर टी है, ये इक्वेशन थी अपने पास, क्या थी, पी वी इज इक्वल टू आर टी। ये कैसे आई थी, आइडियल गैस की इक्वेशन ली थी, नंबर ऑफ मोल्स वन थे तो क्या आ गई, पी वी इज इक्वल टू आर टी। अब देखो यहाँ पर है अपने पास पी वी, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड, सॉरी इसको यू इंटू वी से डिफ्रेंशिएट करेंगे अपन, ठीक है। यू इंटू वी से क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, ये अपने पास फर्स्ट फंक्शन, ये अपने पास सेकेंड फंक्शन, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, इसको आप यू इंटू वी से क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट। कैसे, पी वी को यू वी से करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया अपने पास एज इट इज एडिट, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ तो डिफरेंशिएशन ऑफ किसका होगा, सेकंड का, तो मैंने सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या कर दिया, डी वी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब आप इसको करेंगे तो सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और इस साइड वाले का करेंगे तो आर, टू आर तो क्या हो गया अपने पास गैस कॉन्स्टेंट, और टी का करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी टी। एक बार इसको दोबारा से देखो, ये अपने पास इक्वेशन क्या है, पी वी इज इक्वल टू आर टी, ठीक है। मैं इसको यू इंटू वी से कर रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये अपने पास क्या हो गया, इक्वल टू आर क्या है, गैस कॉन्स्टेंट, और टी का करेंगे अपने पास क्या आ जाएगा, डी टी, ठीक है। अब क्या प्रोसेस मान के चल रहे हैं, कि जो प्रोसेस है विच इज़ कैरीड आउट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, अगर कोई प्रोसेस कॉन्स्टेंट प्रेशर पे है तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, जीरो, तो मैं इसको क्या मान रहा हूँ, जीरो, जीरो मान रहा हूँ, तो पी डेल्टा वी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, आर डी टी के इक्वल आ गई, ठीक है। पी डेल्टा वी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, आर डी टी के, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो पी डेल्टा वी है इसकी वैल्यू किसके इक्वल रख रहा हूँ, इसकी वैल्यू रख रहा हूँ इक्वल आर डेल्टा टी के, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, आर डेल्टा टी रख दिया। कैसे, देखो सी पी डी टी इक्वल टू आर डेल्टा टी प्लस सी वी डी टी, ये इक्वेशन मैंने, ठीक है, ये ली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इस साइड लेके आ रहा हूँ, इसको इस साइड लेके आ रहा हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ सी पी माइनस सी वी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा टी, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, आर डेल्टा टी। देखो डेल्टा टी से डेल्टा टी, तो अपने पास रिलेशन क्या हो गया, सी पी माइनस
सीपी माइनस सी वी इजिकल टू आर, इसी को करना था प्रूफ, और यही हो गया अपना मेयर्स रिलेशन। ठीक है, और ये किस में आता है, अप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट दो में आता है। अगर आपसे कोई पूछे तो अप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ला क्या है, वही पहले मान ला है आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल। ठीक है, और ये क्या हो गया, मेयर्स रिलेशन और एडियाबेटिक प्रोसेस, उन सब को डिफाइन कर देना फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। अब इसको एक बारी दोबारा से कर लेते हैं कि अपन ने किया क्या है इसके अंदर। मैं थोड़ी स्लाइड छोटी ले रहा हूँ। सबसे पहले अपन ने क्या किया था, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे कोई प्रोसेस कैरीड आउट किया था, कंटेनर में क्या ली थी, आइडियल गैस, उसको हीट किया था और पिस्टन को क्या कर दिया था, फिक्स। उसके कारण क्यू की वैल्यू आई थी, हीट दी थी डी क्यू, और जिसके कारण टेम्परेचर कितना चेंज हुआ था, डी टी, और नंबर ऑफ मोल्स कितना था गैस का, 1, और वर्क डन क्या था, 0। फिर अपन ने किया फर्स्ट लॉ का यूज, अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, डी यू की। सेकंड केस में क्या लिया कि प्रोसेस कैरीड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे कैरीड आउट किया तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर का यूज़ किया। अब इस केस में क्या किया, पिस्टन को लिया मूवेबल, तो जिसकी वॉल्यूम पहले थी वी, फिर कितनी होगी चेंज इन वॉल्यूम, डी वी, तो वर्क डन की वैल्यू आई अपने पास, डी क्यू की वैल्यू आई। थर्मोडाइनमिक्स का फर्स्ट लॉ लिया और उसके अंदर क्या कर दी, यूज, यूज करने के बाद अपने पास पी डेल्टा वी आया, आइडियल इक्वेशन से इसकी वैल्यू निकाली, कैसे, पी वी इजिकल टू एन आर टी, एन की वैल्यू क्या है 1, पी वी इजिकल टू आर टी, यू वी से इसको क्या किया डिफ्रेंशिएट, इसको डिफ्रेंशिएट किया और इसके अंदर पुट किया तो अपने पास रिलेशन आ गया सी पी माइनस सी वी इजिकल टू आर। ठीक है, शायद फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबी हो गई है, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ना वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा अपने पास, नेक्स्ट टॉपिक होगा वर्क डन इन इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल। ठीक है, इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल और वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस, अगर ये और करेंगे तो लगभग लगभग 1 घंटा, नहीं मतलब 1.25 घंटे की वीडियो हो जाएगी, मतलब 1 घंटा 15 मिनट, इतनी लंबी हो गई है, 15-20 मिनट में तो और कुछ नहीं होता शायद से, कर ही लेते हैं लगातार तो समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है अपने पास, इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल। अब मैं बता चुका हूँ कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, द प्रोसेस विच इज़ कैरीड आउट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अगर कॉन्स्टेंट प्रेशर पे होगा तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या, सॉरी हाँ मैं गलत बोल रहा हूँ, सॉरी, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस विच इज़ कैरीड आउट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। आइसोथर्मल में क्या होता है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होता है, तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी अपने पास, 0। ठीक है, ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, पी वन वी वन इजिकल टू पी टू वी टू। अब देखो इसको कैसे किया, पी वी इजिकल टू एन आर टी, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स आपने मान लिए 1, या इसको कुछ इस तरह से समझो, एन कॉन्स्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स कॉन्स्टेंट है, आर गैस कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पर टी क्या है, टेम्परेचर, जो कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, कॉन्स्टेंट, तो पी वी की वैल्यू क्या आ गई, कॉन्स्टेंट, तो मैं इसको लिख सकता हूँ पी वन वी वन इजिकल टू पी टू वी टू कॉन्स्टेंट। अब देखो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम क्या होती थी अपने पास, सी वी इजिकल टू हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल बाय 1 सेंटीग्रेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये होती है अपने पास, और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ एक बात और याद रखना, ये अपने पास क्या आ गई, क्यू, ये क्या आ गई अपने पास, क्यू, और जो अभी अभी मैंने रिलेशन प्रूफ किया था ऊपर फर्स्ट लॉ का यूज किया था, उसके बाद डी यू की वैल्यू क्या आई थी अपने पास, डी यू की वैल्यू आई थी सी वी डी टी, ये याद है ना, अभी थोड़ी देर पहले किया था, कहाँ पर किया था देखो, अभी देखते हैं, जो ये रिलेशन किया था यहाँ पर डी यू की वैल्यू क्या आई थी अपने पास, देखो डी यू इजिकल टू सी वी डी टी, यही मैंने लिखा है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ इस प्रोसेस के अंदर, और यही प्रोसेस ले रहा हूँ, टेम्परेचर क्या है, कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर क्या है, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट है तो डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, 0। अब देखो अगर मैं फर्स्ट लॉ का यूज़ करता हूँ इसके अंदर, अगर मैं फर्स्ट लॉ का यूज़ करूँ इसके अंदर, तो ये देखो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, हीट डी क्यू इजिकल टू डू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब देखो डी यू की वैल्यू तो अपने पास कितनी है, 0, तो डी क्यू की वैल्यू क्या आ गई, डी डब्ल्यू, यानी कि परफेक्टली, अब देखो
क्या हो गया अपने पास, डी क्यू की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, टी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। यानी कि ये इस जो अपने पास ये लाया है ना, ये इक्वेशन आई, ये इक्वेशन हमें क्या कहती है, अगर मान के चलो ये अपने पास कोई कंटेनर है, इसके अंदर आपने लगा दी पिस्टन और इसके अंदर आइडियल गैस भर दी और इसको नीचे से कर दिया आपने हीट। हीट करेंगे तो क्या होगा, जितने हीट देंगे ना वो सारी की सारी क्या करेगी, इसके ऊपर वर्क करेगी। ठीक है, वैसे ऐसा होता नहीं है, अगर आप सेकंड लॉ पढ़ेंगे तब देखेंगे, बट यहाँ पर अपने को यही सीखना है कि जो आप हीट देंगे वो क्या होगी, सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो ये आइसोथर्मल प्रोसेस होता है ये वेरी वेरी स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, क्या होता है, वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। उसके बाद और एक बात और है फ्रेंड्स, जितने भी न्यूमेरिकल यूज़ होंगे ना उसके अंदर डेल्टा यू की वैल्यू यही लेनी है हमेशा, सी वी डेल्टा टी या सी वी डी टी। ठीक है, यही वैल्यू का यूज करना है। उसके बाद आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उसके लिए मोटी मोटी बात क्या है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा, चेंज इन टेम्परेचर क्या रहेगा, जीरो। आइडियल गैस के केस में पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू। वेरी वेरी स्लो प्रोसेस होगा फॉर परफेक्टली आइसोथर्मिक प्रोसेस। वॉल्स कैसी होनी चाहिए, कंडक्टिंग। जो कंटेनर की वॉल्स है ना ये कैसी होनी चाहिए, कंडक्टिंग, यानी कि हीट का एक्सचेंज होना चाहिए, तभी तो आप जो हीट देंगे बाहर से उसके कारण वर्क डन होगा। सेकंड केस में क्या होगा, आइडियल गैस के अंदर डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो, और फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जितनी हीट देंगे वो सारी हीट किस में चेंज हो जाएगी, वर्क डन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। कुछ नहीं है फ्रेंड्स, ये वही प्रोसेस है। ठीक है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसके अंदर वर्क डन निकालना है। वर्क डन कैसे निकालेंगे, मान के चलो ये कंटेनर ले लिया जिसके अंदर आइडियल गैस है, अब इसकी हीट चेंज हुई, हीट चेंज के कारण क्या होगा, वर्क डन। वर्क डन हुआ तो पिस्टन कितना मूव हुआ, डी एक्स। ठीक है, तो वर्क डन को आप कैसे इंडिकेट करते हैं, पी डी वी। अब मैं पूरी थ्योरी बोल रहा हूँ वही आपको लिखनी है। ठीक है, कैसे, ये कोई कंटेनर था, इस कंटेनर को मैंने किया हीट, हीट करने के कारण पिस्टन क्या हुआ, डिस्प्लेस, कितना, डी एक्स। डी एक्स डिस्प्लेस होने के कारण उसकी क्या हुई, वॉल्यूम चेंज। ठीक है, यही अपने को क्या लिखनी है, थ्योरी लिखनी है। वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज हुई, वी वन से वी टू, मान के चलो पहले वी वन थी फिर कितनी होगी, वी टू, कब, पिस्टन डिस्प्लेस होने के बाद। ये वही है, देखो पहले थी 5 फिर हो गई 7, ये कुछ इस तरह से। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन होता है पी डेल्टा वी, और जब इसको अपने को चेंज निकालना है तो इसका करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहाँ से, वी वन से वी टू, क्योंकि जो गैस थी वो अपनी एक्सपेंड होगी, क्यों, क्योंकि पिस्टन क्या कहाँ पर चला गया, ऊपर, ऊपर कितना चला गया, डी एक्स, उसके कारण जो वॉल्यूम थी वो क्या होगी, एक्सपेंड होगी। ठीक है, अब देखो आइडियल गैस क्या कहती है अपने पास, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वी की वैल्यू निकालो। पी वी की वैल्यू निकाली और कहाँ पुट कर दी, जो आपने वर्क डन की इक्वेशन ली थी इसके अंदर पी की वैल्यू पुट कर दी। पी की वैल्यू पुट करने के बाद क्या इक्वेशन बन गई, एन आर टी बाई वी, और साथ में क्या आ गया, डी वी। ठीक है, साथ में क्या आ गया, डी वी। अब क्या करते हैं आपा, देखो एन क्या है अपने पास, नंबर ऑफ मोल्स जो कि कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है, प्रोसेस कौन सा है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या लेके चल रहे हैं, कांस्टेंट, कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, तो एन आर टी क्या आ गया, बाहर, क्योंकि तीनों कांस्टेंट है। अंदर क्या बच गया, वन बाई वी डी वी, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना है, वी वन से वी टू। अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, 1/v है तो इंटीग्रेशन क्या हो गया अपने पास, लॉग ई, लॉग ई वी। ठीक है, लॉग ई वी, और लिमिट कहाँ से कहाँ है, वी वन से वी टू। अब मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ, लिमिट पुट कर रहा हूँ तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, ये वाली टर्म्स मैं बोल नहीं रहा क्योंकि ये टर्म्स क्या हैं, एज इट इज़। तो वर्क डन की वैल्यू क्या आ गई, वर्क डन इज इक्वल टू एन आर टी लॉग ई वी टी वी टू माइनस लॉग ई वी वन, और अपन ने एक फॉर्मूला किया था, लॉग एम माइनस लॉग एन की वैल्यू क्या होती है, लॉग
M/N, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये यहाँ पर पुट कर दिया। पुट करने के बाद क्या इक्वेशन आई, वर्क डन इज इक्वल टू NRT log E V2/V1। जब आप ई हटाते हैं base 10 आता है, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। अब लोग का बेस कितना हो गया, 10 ही हट गया। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आया, वर्क डन इज इक्वल टू 2.303 NRT log 10 और V2/V1। ठीक है, इस केस में देखो P1V1 इज इक्वल टू P2V2। यहाँ से देखो, अगर मैं P1 P2 को इस साइड ले आऊँ और V2 अपना पास है ही, और V1 देखो, अब मैं V2/V1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, P1/P2। तो अपने पास जो फॉर्मूला हो जाएगा, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, P1/P2। इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये अपने पास हो गया फॉर्मूला। अब देखो, इस केस में दो साइन एंड कन्वेंशन होते हैं। वर्क डन एक तो होता है अपने पास पॉजिटिव, और एक होता है नेगेटिव। अब इसको कैसे याद करेंगे, जो अपना ये वर्क डन आया है, ये आया वर्क, ये अपने पास P1 बाई, जो ये है ना, ये है अपने पास, जो मैंने ये लिख रखा है P1/P2 है, कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। अब वर्क डन दो होते हैं अपने पास, एक तो वर्क डन वो होता है जो सिस्टम करता है, एक वर्क डन वो होता है जो आप सिस्टम के ऊपर करते हैं। वर्क डन बाय सिस्टम, यानी कि सिस्टम तो क्या कहेगा कि मैं तो गलत काम कर ही नहीं सकता। वो जो बाहर सिस्टम के ऊपर कोई बाहर से काम करेगा, वो सिस्टम क्या कहेगा, तुम गलत काम कर रहे हो, यानी कि नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव साइन। वही लिखा है, वर्क डन बाय सिस्टम हमेशा पॉजिटिव, और वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा अपने पास, नेगेटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट केस क्या आता है अपने पास, और एक है ना, हमेशा याद रखना, जो मैंने अभी भी प्रूफ किया था ना, क्या DV = NCV/DT, ये हमेशा यही यूज होगा, इसके अलावा कोई यूज मत करना। जब भी डी यूज करना हो ना, आँख मीच के इसको पुट कर देना, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या आता है, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, जिसके अंदर हीट एक्सचेंज क्या हो, जीरो। हीट का एक्सचेंज क्या हो, जीरो, यानी कि वो प्रोसेस जो कि कैरीड आउट हो कहाँ पर, कॉन्स्टेंट हीट पे। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या कहता है, DQ + DW + ΔU, ठीक है। DQ यानी कि Q = W + ΔU। ये क्या कह रहा है, हीट क्या होगी, जीरो। अगर मैं इसकी जगह पे जीरो पुट कर दूं और W को उस साइड ले जाऊं, या U, डेल्टा U को इस साइड ले जाऊं, तो अपने पास फॉर्मूला क्या आ गया, जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू -ΔU, ठीक है। ये क्या होगा, वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम इक्वल टू माइनस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसको कुछ इस तरह से समझो, ये अपने पास था सिस्टम, इसने 4 दिन से खाना नहीं खाया क्योंकि ये है नाराज। अब ये कोई काम करेगा तो कहाँ से करेगा, जो इसके अंदर की एनर्जी है ना, इसके अंदर की एनर्जी है, ये काम कहाँ से करेगा, जो इसके अंदर की एनर्जी है वहीं से करेगा। तो जो इसकी अंदर की एनर्जी है ना, वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। वही तो मैंने लिखा है कि जो ये वर्क डन करेगा वो क्या डिक्रीज करेगा, इसकी इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्यों डिक्रीज, क्यों कम होगी इसकी, यानी कि क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि सिस्टम ने, इसने 4 दिन से खाना नहीं खाया और ये क्या है, नाराज। नाराज नहीं है तो जो भी ये काम करेगा कहाँ से करेगा, जो इसकी पहले से अंदर से इंटरनल एनर्जी है। और अगर अंदर वाली इंटरनल एनर्जी का यूज़ करेगा बिना कुछ खाए, तो वो क्या होगी, डिक्रीज। नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है कि अंदर की इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अब एडियाबेटिक प्रोसेस है, वॉल्स कैसी होनी चाहिए, इंसुलेटिंग, जिसके अंदर हीट का एक्सचेंज ना हो। ये प्रोसेस बहुत फास्ट होते हैं। एक आपने पॉइजन इक्वेशन पढ़ी थी, पॉइजन इक्वेशन क्या कहती है, PV की पावर गामा क्या रहता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट रहता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, P1V1 की पावर गामा = P2V2 की पावर गामा, ये यहाँ पर क्या है, गामा इक्वल टू कांस्टेंट। और ये जो गामा होता है, इसकी वैल्यू होती है CP/CV, या इसकी गामा की वैल्यू होती है 1+2F।
और एफ अपना क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये जो मैं वैल्यूज बता रहा हूँ ये होगी न्यूमेरिकल्स में यूज, तो इसको कर लेना याद। तो गामा की वैल्यू क्या होती है, 1 + 2/f। एफ क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि आप अब बात करेंगे यूनिट नंबर सेकंड में। ठीक है, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए, यानी कि गामा फोर तीन तरह के गैसेज होती हैं, मोनो एटोमिक, डाई एटोमिक और पोली एटोमिक। सबसे पहले जो मैं काम कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ गामा मोनो एटोमिक के लिए। देखो गामा की तीन वैल्यू होती है, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है ना मोनो एटोमिक के लिए उसकी वैल्यू होती है 3, डाई एटोमिक के लिए उसकी वैल्यू होती है 5, और पोली एटोमिक के लिए इसकी वैल्यू होती है 6। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। पुट करने के बाद गामा की वैल्यू कितनी आ रही है, 1.67, और गामा फोर डायटोमिक की वैल्यू क्या आ रही है, 1.4, और गामा फोर किसके लिए, पोलो एटोमिक के लिए क्या आ रही है, 1.33। सबसे अच्छा होगा कि इसको आप कर लो याद, कैसे, 1.6, 1.4, 1.3, पहले दो कम फिर एक कम, इसको कुछ इस तरह से याद कर लो। अगर याद कर लोगे न्यूमेरिकल्स में क्या होगी, आसानी। अब अपने पास ये इक्वेशन है, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब अगला बंदा पूछे कि वी और टी में बताओ मेरे को, तो यानी कि प्रेशर नहीं होना चाहिए, वॉल्यूम और टेम्परेचर होना चाहिए। अपने पास ये इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ से मैंने क्या किया, पी की वैल्यू निकाली और इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर दी। कहाँ पर, पी की जगह पे पुट कर दी। पी की जगह पे पुट करेंगे तो एन आर टी बाय वी, और ये वी की पावर गामा एज इट इज़। अब देखो वी की पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो वी की पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने लिख दिया एन आर टी वी की पावर गामा। अब देखो एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, जो कि क्या है, कांस्टेंट। आर क्या है, गैस कांस्टेंट। तो यहाँ से क्या आ गया, टी वी की पावर आर, तो मैं इसको यहाँ पर लेके जा रहा हूँ, कांस्टेंट बाय कांस्टेंट अनदर कांस्टेंट हो जाएगा। ये दोनों को कहाँ ले गया, एन बाय आर कर दिया, तो कांस्टेंट बाय कांस्टेंट अनदर कांस्टेंट हो गया। तो टी वी की पावर गामा -1, ये क्या हो गया, किसमें, वी और टी में रिलेशन। नेक्स्ट रिलेशन कहता है कि मुझे तो ये वैल्यू चाहिए किसमें, प्रेशर और टेम्परेचर में, वॉल्यूम का कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए। तो ठीक है वही निकाल देंगे, कैसे, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ से क्या किया मैंने, वी की वैल्यू निकाल ली, वी की वैल्यू क्या आई यहाँ से, एन आर टी बाई पी। और जो अपने पास फर्स्ट इक्वेशन थी ना, ये वाली जो फर्स्ट इक्वेशन थी, इसकी जगह वी की जगह पर ये रख दिया, वी की जगह पर ये रखा, तो ये आ गया पी एन आर टी बाई पी और सब की पावर गामा, यानी कि वी की पावर गामा, तो एन आर टी बाई पी की पावर गामा। अब देखो ये क्या हो गया, पी एज इट इज, एन की पावर गामा, आर की पावर गामा, टी की पावर गामा और पी की पावर गामा। अब यहाँ पर 1 है, अगर मैं इसको ऊपर लेके आऊँ तो क्या लिखूँगा, पी 1 की पावर गामा, और यहाँ पर क्या है, टी आर, यानी कि टी की पावर गामा, आर नहीं है, टी की पावर गामा, और ये दोनों क्या है, कांस्टेंट। अगर मैं इसको लेके जाऊँ साइड, कांस्टेंट बाय कांस्टेंट अनदर कांस्टेंट, तो अपने पास क्या आया, पी 1 - गामा टी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये अपने पास आ गया किस में, पी और टी में, ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर में, वॉल्यूम का फंक्शन नहीं है। अब देखो भाई एडियाबेटिक का वर्क डन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस केस में क्या हुआ, अपन ने वही कंटेनर ले लिया, कंटेनर को क्या किया, कंटेनर ले लिया, कंटेनर के अंदर डिस्प्लेसमेंट dx, जिसके कारण वॉल्यूम क्या होगी, चेंज। वर्क डन क्या होगा अपने पास, वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। ठीक है, अब देखो आइडियल इक्वेशन ली थी उस केस में, इस केस में अपने पास इक्वेशन क्या आई थी, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट को मैं के से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, कॉन्स्टेंट को के से डिनोट कर दिया। यहाँ से मैंने निकाली पी की वैल्यू, पी की वैल्यू निकाली और कहाँ रख दी, वर्क डन में। कैसे, वर्क डन में रखने के बाद अपने पास क्या आई, वर्क डन में रखने के बाद अपने पास आई पी की वैल्यू के वी बाय गामा और डी वी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ इंटीग्रेट। अब देखो के क्या है, कांस्टेंट, बाहर ले लिया, और ये क्या है, 1 / v की पावर -गामा, सॉरी 1 / v की पावर +गामा है। ठीक है, ये v की पावर गामा, अगर मैं इसको ऊपर लेके आऊँ तो v की पावर -गामा हो जाएगा, ये मैंने v की पावर -गामा लिख दिया। अब मैंने किया इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन देखो
कोई भी हो, एक्स की पावर 1 दे रखी है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, एक पावर ऐड, तो 1 + 1 2 / 2। सिमिलरली देखो यहाँ पर क्या है, वी की पावर -γ, इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, गामा -1, सॉरी गामा +1, और नीचे भी क्या आ जाएगा, -γ + 1। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं इसके अंदर पुट कर रहा हूँ लिमिट। लिमिट पुट करने से पहले क्या किया, जो ये वाली टर्म है ना, इसको मैंने निकाल लिया बाहर, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 - γ, दोनों ही तो इक्वल बात है। ये रहेगी अपनी टर्म बाहर, बाहर रहेगी तो v2 - v1। ठीक है, क्या किया, v2 - v1, और v2 की पावर क्या बनी यहाँ पर, -γ + 1, और v1 की पावर क्या बनी, -γ + 1। अब देखो क्या होता है, ये जो अपना k था, क्या था, k कांस्टेंट था, इसको मैंने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अपन ने किया था क्या, P1 V1 की पावर गामा, P2 V2 की पावर गामा इजिकल टू कॉन्स्टेंट। K की वैल्यू ये भी हो सकती है, K की वैल्यू ये भी हो सकती है। ठीक है, यही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो जहाँ जहाँ K है ना इस इक्वेशन में, अब मैं वॉल्यूम V2 ले रहा हूँ तो ये वाली कंडीशन पुट कर दूंगा, अगर वॉल्यूम V1 ले रहा हूँ तो K की जगह ये वाला पुट कर दूंगा। तो मैंने V2 की जगह तो ये पुट कर दिया, और जो V1 था उसकी जगह पे ये पुट कर दिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? फिर देखो क्या हुआ, P2 तो एज इट इज, V2 की पावर गामा और V2 की पावर -γ + 1, गामा से गामा हो गया कैंसिल, बच गया क्या, V2। सिमिलरली यहाँ पर क्या बच गया, V1। ठीक है, अब क्या करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन का यूज़ करते हैं। प्रेशर वी P1 प्रेशर है, V1 वॉल्यूम है, तो N कांस्टेंट होता है, R कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर क्या मान लिया T1। सिमिलरली वो प्रेशर V2 है, वॉल्यूम V2 है, N कांस्टेंट होता है, R गैस कांस्टेंट होता है, ये मान लिया T2। अब मैंने क्या किया, P1 V1 की जगह पे तो पुट कर दिया NRT1, और P2 V2 की जगह पे पुट कर दिया NRT2। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन निकाली और यहाँ पर पुट कर दी, किसकी जगह पे, P1 V1 की जगह पे ये पुट कर दिया, और P2 V2 की जगह पे ये पुट कर दिया। ये पुट करने के बाद क्या हुआ, देखो ये पुट करने के बाद आ गया अपने पास NRT2। ठीक है, ये पुट किया तो NRT2, ये यहाँ पर आ गया NRT1। NR को निकाल लिया बाहर, तो यहाँ पर क्या बच गया, T2 - T1। यही होता है वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। अब देखो वर्क डन भी दो तरह के होते हैं सिस्टम के। सिस्टम जब कोई काम करता है तो कहेगा मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता, और सिस्टम के ऊपर कोई काम होगा तो कहेगा तुम गलत हो, तो उस केस में वही होगा वर्क डन बाय सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन ऑन सिस्टम क्या रहेगा, नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद सिर्फ 5 मिनट का टॉपिक है, वो टॉपिक है स्लोप्स ऑफ आइसोथर्मल। इसको समझने के लिए अपने को पता होना चाहिए स्लोप क्या होता है। सबसे पहले तो स्लोप जनरली अपने पास होता है किसी भी ग्राफ के अंदर, अगर आप स्लोप निकालते हैं, अगर ये मान के चलो वाई है और ये एक्स है, इसका स्लोप निकालना, अगर आप dy/dx निकाल दें तो इसका क्या आ जाएगा, स्लोप। अब अपने को निकालना है किस में, आइसोथर्मल में। आइसोथर्मल में क्या होता है, P1 V1 = कॉन्स्टेंट, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, या आप इसको बॉयल्स लॉ भी बोलते हैं। और ये प्रोसेस कब होता है, जब टेम्परेचर क्या हो, कॉन्स्टेंट, ये होता है बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस तरह का बन गया ग्राफ। अब देखो PV क्या है, कॉन्स्टेंट, वही दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करो। डिफ्रेंशिएट किया तो कैसे, PV को डिफ्रेंशिएट मैं पहले भी बता चुका हूँ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इजिकल टू 0। इसी को इस साइड रख लो, ठीक है, इसको रख लो इस साइड, और इसको रख लो PdV, माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर P है, यहाँ पर DV है, तो मैं इसको देखो DP को यहीं लिख रहा हूँ और DV को इसके नीचे लेके आ रहा हूँ, इस साइड आएगा तो डिवाइड में, और यहाँ पर क्या है -P, और V को इस साइड लेके आ रहा हूँ, तो ये। अब यहाँ पर देखो ये इक्वेशन थी अपने पास, DP / DV
इजिकल टू माइनस पी बाई वी, यानी कि देखो वाई बाई एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल दें तो अपने पास क्या आ जाता है स्लोप, यहाँ पर क्या निकाल दिया डी पी बाई डी वी, तो अपने पास क्या आ गया स्लोप। तो आइसोथर्मल का जो स्लोप आया ना वो क्या आया है डी पी बाई डी वी, किसके लिए आइसोथर्मल के लिए, क्या आया है माइनस का पी बाई वी। ठीक है, सिमिलरली जो स्लोप निकालेंगे, अब निकालेंगे स्लोप ऑफ एडियाबेटिक, एडियाबेटिक के लिए अपने पास क्या होता है पी वी की पावर गामा क्या रहती है कॉन्स्टेंट, और उसके लिए जो ग्राफ बनता है ना, जैसे जो अपन आइसोथर्मल के लिए बनाया था वो तो कुछ इस तरह का था, और जब अप ग्राफ बनाएंगे ये इससे थोड़ा सा ज़्यादा क्या होगा कुछ स्ट्रेट होगा, इससे ज़्यादा ऐसे है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से था पड़ा हुआ ग्राफ और ये कुछ इस तरह से था। ठीक है, अब वही प्रोसेस दोनों साइड क्या कर दो डिफरेंशिएट, दोनों साइड क्या कर दो डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करेंगे कैसे, पी वी की पावर गामा इजिकल टू कॉन्स्टेंट। अब देखो फर्स्ट फंक्शन को मैंने लिखा एज इट इज, वी की पावर गामा का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो क्या आएगा गामा आगे, गामा क्या आ गया अपने पास आगे वी गामा माइनस वन, और फिर किसका करते हैं अंदर वाले का, अंदर वाले का करेंगे तो डी वी, ये देखो यही आया है। उसके बाद वी की पावर गामा एज इट इज़ प्रेशर का करेंगे तो क्या हो जाएगा डी पी। इस फंक्शन को मैं कहाँ रख रहा हूँ, इस साइड इसको ले गया उस साइड, ये किसका हो गया माइनस का, अगर ये माइनस का हो गया तो फिर देखो कुछ इस तरह से डी पी इस साइड रह गया और डी वी को मैं कहाँ ले आया इस साइड, इस साइड क्या है अपने पास माइनस का पी आर वी की पावर गामा माइनस वन, और इस साइड से वी की पावर गामा कहाँ आ गई नीचे। अब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का गामा, यहाँ से कैंसिल, तो माइनस का गामा प्लस का गामा हो गया कैंसिल, तो वी की पावर सिर्फ क्या बची अपने पास माइनस वन, ये देखो गामा से गामा कैंसिल तो वी की पावर क्या बची माइनस वन, तो माइनस वन बच गई तो वन बाई वी नीचे लिख सकता हूँ। माइनस का पी, ये देखो माइनस का पी गामा, और यहाँ पर क्या बचा वी की पावर माइनस वन, इसको मैं कहाँ ले आया नीचे, नीचे ले आया तो अपने पास बच गया माइनस गामा पी वी की पावर, सॉरी माइनस गामा पी बाई वी। अब जो स्लोप आया एडियाबेटिक का, सिमिलरली इसमें भी अपने को क्या निकालना था डी पी बाई डी वी, तो स्लोप क्या आया माइनस का गामा, माइनस का गामा और क्या आया पी बाई वी। और जो आपने आइसोथर्मल प्रोसेस किया था, आइसोथर्मल प्रोसेस किया था उस केस में अपने पास स्लोप क्या आया था, ये आया था माइनस पी बाई वी, माइनस पी बाई वी। अब मैं क्या करता हूँ माइनस पी बाई वी को रिप्लेस करता हूँ किससे, डी पी बाई डी वी, किसके लिए आइसो थर्मल के लिए। ठीक है, अब ये एडियाबेटिक का था, इसकी जगह माइनस पी बाई वी की जगह क्या रख दिया ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो इक्वेशन क्या आएगा कि डी पी बाई डी वी एडियाबेटिक का स्लोप इजिकल टू गामा डी पी बाई डी वी ऑफ आइसोलेटेड। ठीक है, आइसोलेटेड नहीं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन आया ओवरऑल कि जो अपने पास एडियाबेटिक का प्रोसेस है वो कितने टाइम्स ज़्यादा है आइसोथर्मल से, यानी कि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कितने टाइम ज़्यादा है गामा टाइम्स ज़्यादा है किससे आइसोथर्मल से। यहाँ पर अपना हो गया कंपैरिजन किस किस के बीच में, एडियाबेटिक के स्लोप के और आइसोथर्मल के स्लोप के। ठीक है, अब अपने को क्या करना था दोनों का कंपैरिजन ही करना था। पहले क्या किया था आइसोथर्मल के केस में, आइसोथर्मल में आपने लिया था पी वी को कांस्टेंट और फिर उसका किया था डिफरेंशिएशन डी पी बाई डी वी की वैल्यू निकाली। सेकंड केस में क्या किया पी वी की पावर गामा को कांस्टेंट लिया, ये किस केस में होता है ये होता है एडियाबेटिक में, और ये क्या होती है पॉइजन इक्वेशन होती है। फिर इसका क्या किया डिफरेंशिएशन स्लोप निकाला। ठीक है, फिर क्या किया दोनों को कंपेयर, कंपेयर करने के बाद पता चला कि एडियाबेटिक का स्लोप गामा टाइम्स ज़्यादा होता है आइसोथर्मल के स्लोप से। तो यहाँ तक अपनी फर्स्ट यूनिट कवर ही होगी, इसके बाद दो तीन टॉपिक है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, हीट इंजन, कार्नोट इंजन, रेफ्रिजरेटर, उसकी एप्लीकेशन, मतलब नियर अबाउट 50 to 20 मिनट्स का वो टॉपिक रहता है। ठीक है, तो अब वो वाली बात करेंगे आप सेकंड लॉ से आगे नेक्स्ट वीडियो में।
यहाँ तक अब इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी एक के। अगर फ्रेंड्स चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लो, अगर वीडियो पसंद आवे तो लाइक भी कर दे करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी।